आई गेट अप एट 4 o'clock. दुनिया में मतलब मैं आपको बताऊं, एक बात बताना चाहता हूं कि मैंने ऐसा दिन कोई नहीं हुआ है मेरी जब से मैं पैदा हुआ हूं तब से आज तक कि ऐसा दिन कभी नहीं गया कि मैंने उगता सूरज नहीं देखा. नमस्कार दोस्तों, टीच मी में आपका स्वागत है. आज मैं आपको बताऊंगा अक्षय कुमार जी का डाइट प्लान, अक्षय कुमार जी की फेवरेट ड्रिंक और अक्षय कुमार जी की कुछ सीक्रेट हेल्थ टिप्स जो आपने आज तक कभी नहीं सुनी होगी. पूरी वीडियो वॉच करना गाइस, लेट्स स्टार्ट. एक मैंने चीज़ फॉलो की है जिसको कहते हैं कि 7-12-5x40. दोस्तों हम अगर बात करें अक्षय कुमार जी की डाइट की तो वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है. वो कुछ भी खा लेते हैं, मीठा पान सब खाते हैं. उनकी डाइट में कोई डाइटिंग रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं. और मैं आपको बताता हूँ उनका एक लाइफ का डाइटिंग रूल है, मैं आपको शो करता हूँ. देखिए, यानी 7 बजे मैं ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, 12 बजे मैं अपना लंच खा लेता हूँ और 5 बजे डिनर खा लेता हूँ. और इंटू 40 यानी कि जब भी एक गस्सा खाता हूँ उसे 40 बार चबाना है. वो आयुर्वेद में बहुत बिलीव करते हैं और उनका मानना है कि अगर आपकी स्टमक सही है, अगर आपकी डाइजेशन अच्छी है तो आपकी बॉडी में कोई बीमारी कभी हो ही नहीं सकती. एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, जो उनका वर्कआउट होता है उसके अंदर भी वो मैक्सिमम अपना कार्डियो ही प्रिफर करते हैं वेट ट्रेनिंग से ज्यादा. आई डू अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सरसाइज जिसके अंदर कोर की एक्सरसाइज ज्यादा होती है और जिसके अंदर मैं वेट्स नहीं उठाता. इसलिए वो हमेशा जो उनकी डाइट होती है वो बैलेंस न्यूट्रिशन ही खाते हैं, कभी भी वो ज़्यादा हैवी प्रोटीन डाइट प्रीफर नहीं करते हैं. वैसे तो मैं भी मीठा खाता हूँ, मैं भी पूरा जो कुछ खाना है, चावल, दही, गुलाब जामुन, खाने के बाद पान, ये सब चीज़ें मैं खाता हूँ. अब मैं आपको बताता हूँ उनकी डाइट. ब्रेकफास्ट में वो लेते हैं पराठे, साथ में 1 glass दूध. पराठे में फाइबर होता है, दूध के अंदर कैल्शियम होता है, आपको पता ही होगा. मॉर्निंग में सबसे अच्छा होता है ये अपनी बॉडी को बूस्टअप करने के लिए, मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा होता है. लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में वो एक मील प्रेफर करते हैं जिसके अंदर वो लेते हैं अ हैंडफुल ऑफ बादाम, काजू, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, और साथ में कोई भी सीजनल फूड, ताकि उनको विटामिन मिल सके अच्छी क्वांटिटी में और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्रॉपर क्वांटिटी में मिल जाए. उनका लंच होता है 12 बजे. लंच के अंदर वो प्रेफर करते हैं खाना दाल रोटी, ग्रीन वेजीज और 150 to 200 grams of chicken. Chicken. Dinner के अंदर अक्षय कुमार जी खाना पसंद करते हैं ग्रीन वेजीज, सूप एंड सलाद. उनका कहना है कि सोने से 2-3 घंटा पहले ही आपको डिनर करना चाहिए ताकि आपकी बॉडी को डाइजेस्ट कर ले, और डिनर हमेशा हल्का खाइए. घी खाना भूल गए हैं, माँ का घर का खाना भूल गए हैं, दूध पीना भूल गए हैं, दही, लस्सी, रोटी, ये सब चीज़ें भूल गए हैं वो. हमारे अक्षय पाजी बहुत ही देसी हैं और जो उनकी फेवरेट ड्रिंक है वो है हल्दी दूध. उनका कहना है कि जो हल्दी वाला दूध होता है वो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है. दोस्तों जितने भी मार्केट में प्रोसेस्ड फूड होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होती है और फास्ट फूड होते हैं, अक्षय कुमार के लिए वो एक बिग नो है. वो कभी भी ये सब चीज़ों को नहीं खाते. दोस्तों अक्षय कुमार जी का डिसिप्लिन ही उन्हें सक्सेसफुल बनाता है. वह सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, आप सबको पता ही होगा, स्लीपिंग में तो बहुत ज़्यादा पंचुअल हैं. उनकी जो डाइट की टाइमिंग है, अगर उनका नाश्ता है तो वो 7 बजे हो जाता है करेक्ट, उनका खाना 12 बजे हो जाता है, डिनर वो शाम को 6 बजे से पहले कर लेते हैं. ये उनकी जो डिसिप्लिन है बहुत ज़्यादा वो मेनटेन करते हैं. रात को जब आप 10-11 बजे खाना खा के सो जाते हो तो 3.5-4 घंटे लगते हैं पेट को उसे डाइजेस्ट करने के लिए. तो आपका सारा शरीर सो रहा होता है सिवाय आपके पेट के. एंड देन जब आप सुबह उठ जाते हो फिर आप वापस नाश्ता करते हो. सो बेसिकली 24 आवर्स योर स्टमक इज़ वर्किंग. एंड हम जैसे कि हम सभी जानते हैं कि डिजीज़ जो होती है वो पेट से निकलती है. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और बताइएगा कमेंट में कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं.